हेलो एवरीवन, आई एम एजे। वेलकम बैक टू माय चैनल एजे द लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य संहिता का एक और पोयम जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। देखते हैं कौन सी पोयम है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरा नया बचपन, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसकी जो पंक्तियाँ होती हैं, मीन्स जो लाइंस होती हैं वो हमें दी जाती है और हमें उसका भावार्थ यानी उसका मीनिंग लिखना होता है। तो इसलिए ये कविता को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत ही लेंदी पोयम है, तो आप हो सकता है बोर हो सकते हैं, पर बोर नहीं होना है हमको। ये आज फिनिश एक वीडियो में ही करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं परिचय से, कवित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ये बहुत ही संवेदनशील स्वाभिमानी और देशभक्त सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयाग में हुआ था। और इन्होंने राजनीतिक दलों में सक्रिय भाग लिया, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्होंने काफ़ी सक्रिय यानी कि ये काफ़ी एक्टिव थी। उन्होंने वो भाग लिया, मतलब पार्टिसिपेट उसमें किया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ कर्मवीर के संपादन तथा असहयोग आंदोलन में सहायक किया, यानी कि जो लेखक है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये उनके साथ में इन्होंने कर्मवीर के संपादन और असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने सहयोग यानी उनकी हेल्प की थी। ये कवित्री आधुनिक कवित्रियों में सुभद्रा जी का एक प्रमुख ही स्थान है। इनकी काव्य में आपको दो तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। एक तरफ तो ये नारी की बहुत ही सहजता, भावुकता और कोमलता को दर्शाती है, यानी कि कितनी स्त्री कितनी कोमल होती है, उन कितनी क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही इमोशनल होती है। और दूसरी तरफ ये दिखाती है कि क्षेत्रीय क्षेत्राणियों की तेज झलकता है, यानी कि क्षेत्राणी जो जो गर्ल्स होती है, जो वुमेन्स होती हैं, जो किंगडम संभालती हैं, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, तो वो उनका जो युद्ध कौशल है यानी लड़ने का तरीका, या वो कितनी पावरफुल है एक वुमेन होके भी, ये सारी चीज़ें भी, यानी कि एक वुमेन में वो उसकी भावुकता कोमलता भी दिखाती है और दूसरी तरफ वो कितना पराक्रमी हो सकती है एक महिला, वो भी दिखाती हैं। और इस प्रकार के देशभक्त और पारिवारिक प्रेम में ही इनका काव्य रचनाओं में मुख्य विषय है, यानी कि ये जो रचनाएं करती हैं उसमें या तो पारिवारिक प्रेम होता है उसका विषय होता है, और या तो देश प्रेम होता है, और इसके वजह से इन्हें बहुत ही विख्याति प्राप्त हुई है। राष्ट्रकवियों की दृष्टि से राष्ट्रकवि की दृष्टि से देखा जाए तो जलियांवाला बाग में बसंत, राखी, विजयदशमी, लक्ष्मीबाई की समाधि पर, वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो कविताएं इन्होंने इनकी विशेष लेखनी है, यानी कि विशेष तौर पे जो ये इन्होंने लिखी हैं वो काफ़ी फेमस हुई है। पर सबसे ज़्यादा इसमें प्रसिद्धि यानी कि फेमस कौन सी कविता हुई है, जो लक्ष्मीबाई पे लिखी गई है, झांसी की रानी नामक जो कविता उन्होंने लिखी है वो सर्वाधिक यानी कि बहुत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यानी फेमस हुई है। और इनका देहांत जो है वो एक कार दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को हो गया था। तो ये था काव्य परिचय, अभी चलते हैं कविता की तरफ। मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो यहाँ पे जो भी लाइनें लिखी गई हैं, जो पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, ये लाइनें सब कवित्री बोल रही है किससे, बचपन से, जो उनका नया बचपन आया है। बचपन यानी अपना चाइल्डहुड, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो ये सारी बातें अपने बचपन को बोल रही हैं कि जो उनको ना बहुत ही बार बार याद आ रही है, किसको किसकी, बचपन की, मधुर बचपन यानी जो बहुत ही अच्छा उनका बचपन जो बीता है, वो उनको उस बचपन की बहुत ही याद आ रही है। और वो तो और कवित्री भी ये कह रही हैं कि जो तू जीवन की सबसे खुशी, जो उनकी सबसे सबसे स्पेशल जो उनका टाइम था वो जीवन ले गया है, मस्त खुशी यानी कि बहुत ही जॉयफुल जो टाइमिंग था उनका, जो सबसे बड़ी खुशी थी उनकी लाइफ में, उनका बचपन वो चला गया है। चिंता रहित खेलना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूल जा सकता है बचपन का अतुल्य आनंद।
चिंता रहित, चिंता यानी कि टेंशन, और रहित यानी जो जब चिंता नहीं करते हैं। तो जिस तरह बचपन में हम सभी टेंशन फ्री रहते हैं, यहाँ वहाँ खेलते हैं, निर्भय यानी कि बिगर किसी डर के, विदाउट फियर, स्वच्छंद यानी कि आज़ादी से हम कहीं पे भी घूमते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं। तो इसी तरह हम बचपन में बहुत ही फ्री माइंडेड होते हैं। तो वो बोल रही हैं कि वो सारा चीज़ें जो मैंने बचपन में किया है वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, जो बचपन का आनंद था, जो उसकी हैप्पीनेस थी वो अतुल्य यानी कि अनकम्पेरेबल थी, जो वो भूल नहीं पा रही हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआ छूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चितोड़ों की रानी, यानी कि जो छुआ छूत का ज्ञान नहीं था। हाँ, तो जो ऊंच नीच का जात होता है कि ऊंची जाति के लोग होते हैं नीची जाति के, तो इसका ज्ञान नहीं था, इसका नॉलेज नहीं था हमें। और जो छुआ छूत यानी कि जो दलित लोग नीचे जाति के लोग होते थे उन्हें पहले नहीं छुआ जाता था, बोलते थे अगर छू लेंगे तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो अपवित्र हो जाएंगे। तो इसीलिए वो कहती है कि जो सब थी वो अपने झोपड़े और चित्तौड़ों की रानियां हुआ करती थी, सब अपने घर में हंसी खुशी रहते थे। पहले बचपन में हमें ये सारी भेदभाव की चीज़ें नहीं पता थी, तो उससे जीवन बहुत ही सरल था कि ये दूध के कुल्ले मैंने चूसा, अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लौड़ मचाकर सूना घर आबाद किया, यानी कि दूध के कुल्ले, कुल्ले यानी जो दूध पी के हम वापस थूक देते हैं वो कुल्ले उन्होंने भी किए हैं, अंगूठा उन्होंने चूसा है, उसे क्या सुधा पी है, सुधा यानी कि अमृत, जो अमृत होता है वो उन्होंने उतना सुख उन्होंने उससे पाया है। किलकारी यानी कि जो बच्चा जैसे रोता है और शोरगुल करता है, तो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने सूना घर को आबाद किया है। सूना घर मतलब सोने घर में एक रौनक उन्होंने अपने बचपन में जमाया करते थे। वो रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला बन जाते थे, यानी कि बहुत खुश हो जाने पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, आनंद लेना और बहुत ही छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रोना, तो ये जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही हैप्पीफुल थी। बड़े बड़े मोती मतलब कि बहुत ज़्यादा जो हम लोग बहुत रोते थे, तो उससे जयमाला यानी कि जो गले में माला पहनते हैं वो, तो उससे हम इतना ज़्यादा रोते थे तो ऐसा लगता था कि वो पूरे हमारे जो आंसू है वो माला बन के हमने उन्हें पहन लिया है। मैं रोई, माँ आकर काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, यानी कि जब भी कवित्री ये बता रही है कि जब कवित्री रोने लगती थी तो उनकी माँ उनके पास आती थी, जो भी काम होता था वो छोड़ के आती थी और उन्हें उठाकर कपड़े पे अगर मिट्टी लगी है या साफ करके उन्हें चूम चूम कर उनका जो गीले गाल होते थे मतलब जब वो रोने लगते थे तो उन्हें बहुत ही प्यार से वो चुप कराया करती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युक्त मदक दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, यानी कि जो दादा जी थे वो उन्हें चंदा मामा दिखाया करते थे। नेत्र नीर युक्त दमक उठे, यानी कि नेत्र यानी आंखें, नीर यानी पानी और युक्त यानी भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, तो वो देख के हम बहुत ही ज़्यादा, वो जो कवित्री हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करती थी और ये जो मुस्कान उनकी उनके चेहरे पर आती थी ये देख के सब भी खुश हो जाते थे, सबके चेहरे भी चमकने लगते थे। आगे देखते हैं, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, यानी कि वो जो बोल रही हैं कि वो जो सुख का साम्राज्य था, जो सत्ता थी, जो एक किंगडम था वो छोड़कर जो मतवाली, मतवाली यानी अपनी ही मस्ती में मस्त रहना, वो सब सारी चीज़ें छोड़कर ऐसा उनको फील हो रहा है कि उनका किसी ने कुछ ले लिया है, कुछ ठगी हुई सी लग रही है, दौड़ के वो किसके द्वार पे आ खड़ी है, एक नए जीवन के दौर से। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचम छैल छबीली थी। तो इसमें वो कह रही हैं कि जब ये था उनका बचपन का, यहाँ से लेके शुरुआत से लेके जो यहाँ तक की लाइनें हम लोगों ने पढ़ी है ये उनके बचपन के बारे में बताया है कि वो क्या क्या करते थे और कैसा उनका बचपन था। अभी वो बड़े हो गए तो क्या बोल रहे हैं
कि जब बड़े हो गए तो लाज भरी आंखें, यानी कि शे उनमें बहुत ही शायनेस था और उनके मन में बहुत ही उमंग थी, यानी उत्साह था, एक्साइटमेंट था और बहुत ही वो कलरफुल थी। वो जो उनकी स्टेज था लाइफ का, तान रसीली थी, कानों में छल छबीली थी, यानी कि वो बहुत, उनका जो मन था वो बहुत ही अस्थिर था। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। यानी कि वो बोल रहे हैं कि माँ, फिर भी उनके दिल में एक चुभन थी, यानी कि एक ऐसा होता था कि काश मैं बचपन में वापस जा सकूं, क्योंकि वो दुनिया बहुत अलबेली यानी बहुत ही अनोखी थी, जिसमें आप जितना भी रहे उतना कम है। कौन सी दुनिया की बात हो रही है? बचपन की दुनिया की, ठीक है। तो वहाँ अब उनके मन में एक पहेली है, पहेली यानी कि पजल जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे, एक पहेली, एक रहस्य था, रहस्य हो चुका था कि वो सबके बीच में होके भी अपने आप को अकेला फील करती थी। मिला खोजती थी जिसको है बचपन, ठग लिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। तो वो क्या बोल रही हैं कि जो मिला है उनको, जो चीज़ मिली है उसने उस कवित्री को ठग लिया है, क्योंकि अभी जो खोजती, जो बचपन वो खोजती थी वो उन्हें नहीं मिला। उन्हें क्या मिला है? जवानी का फंदा, यानी कि वो अब बड़ी हो चुकी हैं, युवावस्था में आ गई हैं। तो ये जो जीवन की समस्याएं होती है उनको बोला गया है फंदा, यानी कि अभी बड़े होने के बाद जिसे हम फेस करते हैं नई नई प्रॉब्लम्स, वैसे वो उसमें अब फंस गई है। तो वो अब क्या करे? सब गलियां उनकी भी देखी, उनकी खुशियां न्यारी थी, प्यारी प्रीतम की रंग रंगलियों में स्मृतियां भी प्यारी थी। अभी कवित्री क्या बोल रही है कि वो जो सब गलियां थी यानी कि हर एक जो लाइफ का स्टेज था वो उन्होंने देखा, और वो बहुत ही खुशी न्यारी, बहुत ही प्यारी थी। और जो प्रीतम यानी कि जिसके साथ जो पार्टनर है, उनका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया वो भी बहुत, जो मेमोरीज है, स्मृतियाँ यानी यादें, जो यादें हैं वो भी बहुत ही प्यारी थी। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें कवि कब बोल रही हैं? जब वो बड़ी हो चुकी हैं, उनकी कवित्री की एक बेटी है, तो वो बेटी को जब वो देखती हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें याद आती है कि हाँ, मेरा भी एक ऐसा बचपन था, और तब वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं और कह रही हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। यानी कि कवित्री कह रही है कि मैंने माना जो युवा काल, यानी कि जो जब वो यंग हो चुकी है, वो टाइम जीवन का बहुत ही खूब निराला, बहुत ही अनोखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। आकांक्षाएं यानी कि अपेक्षा, इच्छा, जो इच्छाएं हैं, पुरुषार्थ है, ज्ञान यानी नॉलेज है, इन सब का जो उदय यानी कि इन सब का जो स्टार्ट हुआ है वो भी बहुत ही मोहने वाला है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। किंतु किंतु यानी लेकिन, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो सारी झंझट यानी झगड़ा झंझट जो होता है, ये सारी जो टेंशनें हैं उन सारी चीज़ों को लेकर भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना, यानी कि ये जो पूरी पूरा वर्ल्ड है वो एक युद्ध क्षेत्र की तरह, वॉर प्लेस की तरह हो गया है, जहाँ पे हर कोई अपने लिए युद्ध कर रहा है, अपने लिए लड़ रहे हैं। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। जो टेंशन है वो टेंशन को इंसान फेस करते करते अब उनकी लाइफ भी ऐसी एकदम बोर हो चुकी है, बोझ हो चुकी है उनके लिए, कि वो सिर्फ उनको लाइफ को जी नहीं रहे हैं, लाइफ को ढो रहे हैं। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। कवित्री अब बोल रही है कि बचपन को बुला रही है, वो बोल रही है आ जाओ बचपन एक बार फिर से, और वो निर्मल यानी कि जिसमें कोई दाग ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा और शांत हो, जिसमें भेदभाव ना हो, वो बचपन को बुला रही है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह मेरी प्राकृत विषम विशांति, यानी कि अब व्याकुल व्याकुल व्यथा, व्याकुल यानी बहुत, जब हम टेंशन में होते हैं, बहुत ही थके हुए होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मिटाने वाली अपनी प्राकृत, प्राकृत यानी नेचुरल जो शांति उनको उसी टाइम मिलती है जब वो ये लाइफ जीती हैं। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, निष्पाप यानी जिसने, निष्पाप यानी जिसमें कोई पाप ना हो, कोई गलत काम ना हो,
क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संताप यानी वेदना, जो भी उनकी सैड फीलिंग्स है। तो वो अब कवित्री क्या बोल रही है कि वो जो भोली सी एक मधुर सरलता का प्यारा जीवन था, जिसमें मधुरता थी यानी मिठास था, हम कैसे मिलजुल के खेलते कूदते थे, वो सारा जो जीवन है वो बहुत ही निष्पाप था, वो बहुत ही अच्छा था। तो वो पूछ रही हैं बचपन से कि क्या वो सारी चीज़ें वो आके फिर से मिटा सकता है जो उन्होंने लाइफ में बैड डेज जो स्पेंड किए हैं उसके। आगे की कविता में बोलते हैं, कविता में देखते हैं, मैं बचपन को बुला रही थी, बैठ उठी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदवन सी फूल उठी या छोटी सी बगिया मेरी। यानी कि जब ये सारी चीज़ें वो कह रही थी तो उनका उनकी जो बेटी है वो जो छोटी सी बेटी है वो भी बोल उठी, यानी कि उसने भी बोला इस बातों को। तो जो नंदन वंशी फूल उठी, छोटी सी कुटिया, कुटिया यानी कि घर, जो छोटा सा घर है वो भी खुश नंद की वन, यानी कि ऐसा वन जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हो, बहुत ही कलरफुल हो, तो वो देखिए कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही नंद की तरह वो जो घर है वो एकदम फूलों का हरा भरा बगीचा लगने लगा, जो बहुत ही अच्छा लगने लगा। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। देखिए ये कितनी प्यारी लाइन है, इसमें क्या बोला गया है कि जो बेटी है वो अपनी मम्मी यानी कि कवित्री से बोल रही है कि माँ आओ तुम भी मिट्टी खा लो। मिट्टी जैसे बचपन में हर कोई बच्चा मिट्टी खा लेता है खेलते खेलते, तो वैसे ही वो बच्ची भी मिट्टी खा के आई है और वो भी बोल रही है कि मम्मी आप भी थोड़ा सा उसमें से खा लो। पुलक रहे थे अंग, द्रंगों में कोतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी अहलद लालिमा, विजय पर्व था छलक रहा। ओके, तो अभी इन पंक्तियों में क्या बोल रहे हैं कि उनके जो पूरे बॉडी पार्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और उनकी आंखों से कौतूहल छलक रहा था, यानी कि वो बहुत इमोशनल हो गए थे और उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था, और उनकी उनके फेस पे बहुत ही अलग ही विजय लालिमा थी। विजय यानी कि जीत जाना, जैसे हम लोग कोई कंपटीशन जीत जाते हैं तो हमारी हमारे फेस पे एक अलग तरह का ही ग्लो होता है, तो वैसे ही उनके फेस पे भी वो झलक रहा था, यानी दिखाई दे रहा था कि वो कितनी ज़्यादा खुश हैं। मैंने पूछा यह क्या आई, बोल उठी वह माँ का ओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही जाओ। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है कि बेटी ने मम्मी को बोला आने को, तो बेटी मम्मी ने बोला कि नहीं तुम जाओ, मैं नहीं आ रहे, तुम जाओ। प्रफुल्लित हृदय यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशी, एक्साइटेड भरा जो हमारा दिल होता है उस समय उन्होंने ऐसा बोला। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उनकी मंजुल मूर्ति देख कर मुझ में नवजीवन आया। यानी कि जो उनकी बेटी है उनकी उसके बचपन को देखकर कवित्री को ऐसा एहसास हो रहा है कि जो उनका बचपन है वो वापस लौट आया है और उनको बहुत ही नवजीवन यानी कि एक न्यू लाइफ उनकी एक स्टार्ट हो गई है, उनको ऐसा लग रहा था। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उनके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। तो अब कवित्री क्या बोल रही हैं, जिस तरह वो पहले बहुत ही सैड रहती थी, अपने बचपन को बुला दी थी, अब वो क्या कर रही हैं कि वो अपनी ही बच्ची के साथ खेलती खाती है, तोतलाती, यानी कि जैसे बच्चे तोतली जबान में बोलते हैं, जो वर्ड्स क्लियरली नहीं निकलते हैं उसको बोलते हैं तोतलाना, तो वैसे ही अब वो भी स्वय यानी वो खुद जो कवित्री हैं वो खुद भी बच्ची बन के अपनी बच्ची के साथ खेलती हैं, जिसे खोजती थी बरसों से उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो लास्ट पंक्तियों में कवित्री बोल रही हैं कि जिस बचपन को वो बरसों यानी कि सालों बहुत ही ईयर्स से वो ट्राई कर रही थी खोजने के लिए, वो फाइनली उनको मिल गया है और वो बचपन फिर से लौट आया है। तो ये थी हमारा आज के वीडियो में हमने ये पोयम कंप्लीट कर ली, मेरा नया बचपन। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कमेंट शेयर।